हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज का जो हमारा व्लॉग है वो प्रतापपुर का मेट्रो स्टेशन के ऊपर होने वाला है, जो कि मेरठ का फर्स्ट मेट्रो स्टेशन होने जा रहा है। और आज हम डिटेलिंग में बात करेंगे इस स्टेशन की वर्किंग कंडीशन के बारे में, और साथ ही अपडेट देंगे कि कितना काम यहाँ का हो चुका है और कितना काम बाकी रह गया, और साथ ही बात करेंगे कि इस स्टेशन का हमें इनॉग्रेशन कब देखने को मिलेगा। तो गाइस, यह है स्टेशन का आउटर लुक, और नीचे की जो इसकी वर्किंग कंडीशन है वो कुछ इस तरीके की है। पेंटिंग वर्क जो है गाइस वो लगभग पूरा हो चुका है, और बाकी अभी यहाँ पे पार्किंग का काम आपको होता हुआ दिखाई दी जाएगा। इसकी पार्किंग जो है वो मेरठ साउथ स्टेशन से अप्रॉक्स आधी से भी कम है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मेरठ मेट्रो की ही सर्विस देखने को मिलेगी। तो गाइस, चलिए चलते हैं ऊपर की तरफ। और साथ ही यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हो, इसके एंट्री एग्जिट का वर्क जो है वो काफ़ी कंप्लीट हो चुका है, और इसका जो रूफ टॉप का काम है बस वो बाकी रह गया है। बाकी स्टेयर केस और जो एस्केलेटर की जो इंस्टॉलेशन है वो पूरी हो चुकी है। तो गाइस, अभी कॉनकोर्स पे आ चुके हैं। कॉनकोर्स पे आपको ग्रेनाइट और जेड ब्लैक का काम होता हुआ दिखाई दिया जाएगा। स्टेयर केस के ऊपर इसकी मार्किंग कर दी गई है, तो जल्दी आपको यहाँ पर पत्थर का भी काम पूरा होता हुआ दिखाई दिया जाएगा। तो गाइस, कुछ इस तरीके का कंडीशन है जो उसका कॉनकोर्स लेवल है। तो चलते हैं बंदर की तरफ, और मैं कुछ इसके रूम्स वगैरह दिखा दूं जो कि इम्पोर्टेंट रूम होते हैं किसी भी मेट्रो स्टेशन के लिए। तो ये है इसका स्टेशन कंट्रोल रूम, तो इसके भी इंस्टॉलेशन का काम काफ़ी तेज़ी से होता हुआ दिखाई दे जाएगा। जस्ट इसके बराबर में सर्वर और टर्मिनल रूम देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी जैसा कि आप देख सकते हो, पैनल्स की इंस्टॉलेशन हो चुकी है और वायरिंग की इंस्टॉलेशन होनी बाकी रह गई है, और बाकी जितने भी इंस्ट्रूमेंट और पैनल्स वगैरह थे वो यहाँ पर आके प्लेस कर दिए गए हैं। तो गाइस, अभी हम स्टेशन के नॉर्थ फेस में, और यहाँ से आप देख सकते हो दिल्ली रोड का जो एरिया है। और बाकी इंस्टॉलेशन में अभी हमें वायर का काम होता हुआ दिखाई दे जाएगा। और ऊपर अगर हम सीलिंग की बात करें तो डक्ट का काम कम्प्लीट हो चुका है, और केबल ट्रे भी लगा दी गई हैं। तो कुछ इस तरीके से दिखाई देती है ऊपर से स्टेशन की पार्किंग। और अभी हम चलेंगे प्लेटफॉर्म की तरफ और बात करेंगे प्लेटफॉर्म की वर्किंग कंडीशन के बारे में। तो स्टेयर केस पे जो है वो पत्थर का काम ऑलमोस्ट हो चुका है, और प्लेटफॉर्म का जो रूफ़ है उसके भी इंस्टॉलेशन का काम यहाँ पर होता हुआ दिखाई दिया जाएगा। रूफ़ टॉप पे ट्रस का काम तो कंप्लीट हो चुका है, बाकी इसके ऊपर जो शीट्स लगाई जा रही हैं वो भी आपको 40% वर्किंग कंप्लीट होती हुई दिखाई दी जाएगी। और साथ ही गाइस, यहाँ पे जो आप ट्रैक देख पा रहे हो, ये आपको यहाँ पे 4 ट्रैक देखने को मिलेंगे, जिसमें से 2 RRTS के ट्रैक हैं और 2 ट्रैक हैं मेरठ मेट्रो के। और बाकी यहाँ पर भी आप देख सकते हो एस्केलेटर की जो इंस्टॉलेशन है कम्प्लीट हो चुकी है। मेन टेक्निकल जितने भी वर्क्स हैं वो हो चुके हैं, अभी फिनिशिंग वर्क ही बाकी रह गया है, और जो केबल्स की कनेक्टिविटी है वो यहाँ पे अभी पेंडिंग में पड़ी है, वो भी आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। और गाइस, यहाँ पे जो ऑटोमेटिक डोर की इंस्टॉलेशन है वो भी लगभग पूरी हो चुकी है। कुछ जो इंस्टॉलेशन होनी बाकी रह गई है वो ट्रैक का वर्क कम्प्लीट होने के बाद यहाँ पर आपको डोर की इंस्टॉलेशन भी पूरी दिखाई दी जाएगी। और उसके कुछ पैनल्स जो अभी इनकम्प्लीट है वो यहाँ पर आप देख सकते हो वो ऊपर आ चुके हैं। कुछ इस तरीके की पैकिंग में यहाँ पे ऑटोमेटिक डोर के पैनल्स लाए जाते हैं पूरी सेफ्टी के साथ। इस तरह के वुडन बॉक्स होते हैं और ये पैनल है, तो ये भी इसके इंस्टॉलेशन बहुत जल्दी आपको देखने को मिल जाएगी। और यहाँ से आप मेरे राइट में देख सकते हो लिफ्ट इंस्टॉलेशन का भी वर्क पूरा हो चुका है। गाइस, ओवरऑल देखा जाए तो स्टेशन का जो अभी वर्किंग कंडीशन है वो 70-80% वर्क जो है यहाँ पर पूरा हो चुका है। तो अभी चलते हैं प्लेटफॉर्म के लास्ट में, और सारी कंडीशन के ऊपर बात करेंगे, और साथ ही ट्रैक के ऊपर भी आज हम आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो ये आ चुकी है प्लेटफॉर्म पर आने की दूसरी एंट्री एग्जिट। तो एक प्लेटफॉर्म पर आने के लिए 2 एंट्री एग्जिट बनाई गई हैं, और ये सामने आप देख सकते हो जो NCRTC का स्टाफ है कंटिन्यू वर्किंग करी जा रही है यहाँ पर। और गाइस, ये है इसके 4 ट्रैक, जिसमें से जो प्लेटफॉर्म के ट्रैक हैं वो वहाँ पर RRTS की सर्विस नहीं देखने को मिलेगी, सिर्फ मेरठ मेट्रो की सर्विस हमें देखने को मिलेगी।
तो चलते हैं अभी ट्रैक के ऊपर और आगे की तरफ लेके चलेंगे और बताएंगे कि यहाँ की अभी क्या क्या वर्किंग कंडीशन बाकी रह गई है। तो गाइस अभी आ चुके हैं हम ट्रैक के ऊपर और जैसा कि आप देख सकते हो ट्रैक का जो काम है वो पूरा हो चुका है। ट्रैक का और साइड की जो इलेक्ट्रिकल फिटिंग है वो भी यहाँ पर आपको पूरी होती हुई दिखाई दी जाएगी। और गाइस जैसा कि मेरे राइट में आप देख सकते हो यहाँ पे जो कुछ केबल्स वगैरह हैं वो रखे हुए हैं, जो थोड़ी बहुत फिटिंग बाकी रह गई है वो भी बहुत जल्दी आपको पूरी देखने को मिलेगी। और कुछ इस तरीके होते हैं गाइस ट्रैक से जो देखने को मिलते हैं, विंडो ऑटोमेटिक स्क्रीन डोर जो होती हैं उसका मैकेनिज़म आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और अभी हम थोड़ा और आगे की तरफ चलेंगे और दिखाएंगे कि ट्रैक की जो कंडीशन है और क्या क्या यहाँ पे वर्किंग पूरी हो चुकी है। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे सिग्नल्स के पोल भी लगा दिए गए हैं और उस पर सिग्नल लाइट भी लगा दी गई है मेरे राइट में, और लेफ्ट में भी यहाँ पे सिग्नल आपको देखने को मिल जाएगा। इसका वर्क पूरा हो चुका है, साथ ही आप देख सकते हो जो इलेक्ट्रिकल पोल हैं वो भी लगा दिए गए हैं, उसके ऊपर वायरिंग का काम अभी चलता हुआ दिखाई दे जाएगा। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो आगे जो ट्रैक है वो इंटरलिंक बनाया गया है यहाँ पर, क्योंकि जो स्टेशन है स्टेशन से आगे जाने के बाद दोनों ट्रेनें एक ही ट्रैक पे चलेंगी, RRTS और मेरठ मेट्रो, तो उसके लिए यहाँ पर इंटरलिंक आप देखो देखने को मिल जाएगा। इस तरह ये यहाँ पर इंटरलिंक बनाए गए हैं। तो गाइस अगर थोड़ा इनॉग्रेशन की बात करें, जैसे कि अभी हमने मेरठ साउथ स्टेशन की इनॉग्रेशन आपको दिखाई थी, और अब अगर इसके इनॉग्रेशन की बात करें तो गाइस पहला जो इनॉग्रेशन होगा वो आनंद विहार स्टेशन का होगा, क्योंकि अब जो फेस है वो दिल्ली का फेस इनॉग्रेट किया जाएगा और साथ ही उसका जो काम है वो काफ़ी ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है एज़ कम्पेयर टू भरतापुरी और अब जो मेट्रो स्टेशन बनने जा रहे हैं मेरठ मेट्रो के। तो आप एक बार आनंद विहार की वीडियो भी जाके चेकआउट कर सकते हो और वहाँ की वर्किंग कंडीशन आप वीडियो में देख सकते हो। तो गाइस अभी जो है ट्रैक पर हम काफ़ी आगे आ चुके हैं और ये जो अब रीज़न है ये मेरठ साउथ की RRTS के रीज़न में हम एंटर करने वाले हैं, तो इससे आगे जाना सही नहीं रहेगा क्योंकि उधर मेट्रो के आने की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। तो यहीं तक मैं दिखाना चाह रहा था आपको कि जो इलेक्ट्रिकल फिटिंग है वो पूरी देखिए यहाँ पर हो चुकी है। ये यहाँ तक RRTS की ट्रेन भी अपने इंटरलिंक चेंज करने के लिए आती है जो मेरठ साउथ वाली RRTS है, और सामने आप ट्रक देख सकते हो इधर वायरिंग का काम कंटिन्यू चल रहा है। तो स्टेशन से काफ़ी दूर आ गए हैं और ये देख सकते हो कि जैसे कि यहाँ मेंटेनेंस हॉल अभी ओपन है, यहाँ पे कुछ मेंटेनेंस वर्क चल रहा है। तो अभी हम चलेंगे वापस स्टेशन की तरफ और थोड़ी और बात करेंगे स्टेशन के बारे में और साथ ही कंस्ट्रक्शन कंडीशन जो भी हैं उसके बारे में आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो गाइस मेरे लेफ्ट में आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रेन के लिए एक स्टॉपर लगाए गए हैं, जैसे कि आपने इंडियन रेल में भी देखे होंगे इस तरह के स्टॉपर यूज़ करे जाते हैं, ये इमरजेंसी के लिए होते हैं। और इस ट्रैक पे अभी RRTS की सर्विस नहीं मिलेगी क्योंकि यहाँ अभी जो हम खड़े हैं ये इंटरलिंक पे खड़े हैं, दोनों ट्रेनें इसी इंटरलिंक पे कनेक्ट होकर एक ही ट्रैक सिंगल ट्रैक पर आ जाएंगी और ये जो फोर्थ वाला ट्रैक है ये यूज़लेस हो जाएगा, तो इस वजह से आगे इस तरह के स्टॉपर लगाए जाते हैं। तो अभी चलते हैं स्टेशन की तरफ वापस और ये देख सकते हो आप इलेक्ट्रिकल पोल यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो चुका है। वैसे मैंने जो अपडेट दिया था लास्ट उसमें भी आपने देखे होंगे इलेक्ट्रिकल पोल लगा दिए गए थे, जो कि शताब्दी नगर का जो स्टेशन है जहाँ पे RRTS और मेरठ मेट्रो की दोनों की सर्विस मिलेगी वहाँ तक इलेक्ट्रिकल पोल का काम कम्प्लीट हो चुका है। तो बात हम कर रहे थे आनंद विहार स्टेशन की, तो गाइस जैसे ही आनंद विहार का स्टेशन इस साल के लास्ट तक कंप्लीट हो जाएगा देन उसके बाद हमें ये तीन स्टेशन पर मेट्रो दौड़ती हुई दिखाई देगी, जो कि है भरतापुर स्टेशन और इसके बाद रिठानी और शताब्दी नगर। तो जहाँ तक हमें इंफॉर्मेशन मिली है ये तीनों स्टेशन एक साथ हमें कम्प्लीट होते हुए दिखाई देंगे और तीनों का इनॉग्रेशन साथ ही हमें देखने को मिलेगा। तो गाइस ये सारी कंडीशन थी यहाँ की भरतापुर मेट्रो स्टेशन की, आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।